हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग आपको तीन टाइप से आ सकता है। फर्स्ट टाइप में आपका लेटर एंड नंबर कोडिंग, सेकंड टाइप है आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, थर्ड टाइप है आपकी कंडीशनल कोडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक में, जेके बैंक में एक या दो क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली इसी टाइप से आएगा, या फिर आपको सीधा पांच नंबर का आएगा सेकंड या थर्ड टाइप से। तो फ्रेंड्स, टाइप वन टाइप फर्स्ट करने से पहले आपको कुछ पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न पता होंगे तो आपको आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आया 3x3 का, तो 3x3 में जहां सीधा सीधा दिए होंगे कोड, या फिर फर्स्ट का लास्ट के साथ दिया होगा और सेंटर वाले का सेंटर में, या फिर फर्स्ट का लास्ट और इन दोनों का दिया होगा, या फिर लास्ट का फर्स्ट दिया होगा और इन दोनों का दिया होगा 3x3 पैटर्न में। तो फ्रेंड्स, 4x4 पैटर्न में सीधा सीधा हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट का हो सकता है, सेकंड और थर्ड का हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर फर्स्ट लास्ट और बाकी वाले ऐसा हो सकता है, या फिर लास्ट और फर्स्ट का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सेम 5x5 में सेम पहला स्टेप सीधे सीधे कोड दिए हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एग्जाम में आता है जे वाला, मतलब सेंटर, अगर 5x5 होगा तो सेंटर वाले का सेंटर वाले के साथ होगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड का सेम, थर्ड सॉरी फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ फोर्थ का, जहां पर जे हो सकता है, या फिर सेंटर सेंटर और लास्ट और फर्स्ट का, फर्स्ट और लास्ट का, और इन दोनों का आपस में। फ्रेंड्स, मैक्सिमम इन दोनों में से ही आता है मैक्सिमम एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं टाइप फर्स्ट की। फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट करने से पहले आपको हर एक लेटर का अल्फाबेटिकल कोड और नंबर कोड पता होना चाहिए। आपने फ्रेंड्स ए से लेकर एम तक लिखना है और एम से उल्टा कर देना है, यहीं से आपका M का कोड होगा N, L का O, सेम A का Z, B का Y बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर नंबरिंग में कोड देखा जाए तो A 1 पे आएगा, B 2 पे, सेम Z तक 26 बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, जहां पे देखिए A का कोड है Z, B का Y, C का X, A का Z सीधा सीधा दिया है, B का Y, C का X। फ्रेंड्स, सीधा सीधा कोड दिया है और हमें डी ई एफ का कोड पूछा है, तो हमने भी सीधा सीधा लिख देना है, डी का है डब्ल्यू, ई का है वी और एफ का है यू, तो यही होगा फ्रेंड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है ए बी सी। फ्रेंड्स, आपने ए का कोड देखना है, ए का है जेड, तो ए का कोड है जेड, बी का वाई है, सी का एक्स है, तो इसमें भी हमने यही पैटर्न लगाना है। तो E का कोड है V, F का कोड है U, तो इस साइड आ जाएगा, तो D का कोड है W, तो इस साइड आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रिया का कोड दिया गया है ZBRIK। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न ढूंढना है, फिर सेम पैटर्न इसमें लगाकर अपना आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ए दिया है, तो ए का कोड है वहां पे जेड, तो ए का कोड जेड दिया है यहां पे। सेम फ्रेंड्स, पी देखिए, पी का कोड है के, तो सेम पी का कोड भी के है यहां पे। फ्रेंड्स, आई का कोड है आर। फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने जब पैटर्न बताए थे तो 5x5 में मैंने ऐसा पैटर्न बोला था मैक्सिमम एग्जाम में आता है, तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में भी वही पैटर्न लग रहा है। तो अब वाई का कोड है बी और आर का कोड है आई, तो सेम फ्रेंड्स, जहां पे भी ए का नंबर यहां पे आ जाएगा, ए का आ जाएगा जेड, डी का आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, डी का है डब्ल्यू, तो सबसे पहले आप एम का निकाल लीजिए, सीधा सीधा एन। अब फ्रेंड्स, ई का पैटर्न जहां पे आ जाएगा, ई का है वी और एच का जहां पे आ जाएगा, एच का है एस, तो आपका राइट आंसर होगा डब्ल्यू वी एन एस जेड। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोड के नंबरिंग कोडिंग दी है, नंबर दिए हैं, जैसे ए का, बी का, सी का दिया 3, 2, 1। अब सबसे पहले हमने वहां पे देखना है ए का 1 है, तो फ्रेंड्स ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो सेम डी का 4 होगा, ई का 5 होगा और एफ का 6 होगा, तो 6, 5, 4 आपका राइट आंसर होगा।
सेम फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी का दिया है 4, 3, 2, 1। फ्रेंड्स ए का आपको पता है 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो सेम फ्रेंड्स डी डी ई एफ जी, तो डी का 4 है तो 4 यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट ई का 5 है तो 5 यहां पे आ जाएगा, एफ का 6 है जहां पे, जी का 7, तो 7, 6, 5, 4 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा हाई लेवल, ये 9x9 का पैटर्न है फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रेंड्स याद रखना जब भी कोई ऑड नंबर का पैटर्न होगा, ऑड नंबर यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, तो सबसे पहले सेंटर वाले का देखना, तो ओ ओ है सेंटर में, ओ का देखिए क्या है, ओ का कोड है एल, तो सेम फ्रेंड्स एल दिया है। अब बचे हैं इधर भी 4 उधर भी 4, तो फ्रेंड्स 4x4 का पैटर्न चेक कर लो इसमें, आर आर का पैटर्न आपको पता है आई है, आई का आई है आर का कोड, तो आर का कोड आई, ए का आपको पता है जेड है, सेम ई का वी है, ई का वी है और एस का एच होगा फ्रेंड, एस का एच है। सेम फ्रेंड्स पहले इतना ही पैटर्न उसमें बना लो, पहले सबसे पहले सेंटर ढूंढो, सेंटर है एन, तो एन का है एम। अब फ्रेंड्स फर्स्ट का फोर्थ है यानी कि डी का जहां पे आएगा, तो डी का है डब्ल्यू। नेक्स्ट फ्रेंड आई, आई का है आर, आर जहां पे आएगा तो आई का आर इधर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स डी का बन गया जहां पे डब्ल्यू और फोर्थ का बन जाएगा जहां पे आर। अब इस आई का भी आर इधर बन जाएगा और जी का देखना है, तो फ्रेंड्स जी का है टी, आपका जहां से बन गया आर टी आर डब्ल्यू एम, आर टी आर डब्ल्यू एम। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखिए, एन का है एम, आई का है आर, एन का है एम और जी का है टी, तो सेम फ्रेंड सेम जो इस साइड लगा कोड वही कोड इस साइड है, तो जहां से देखिए ओ का कोड है एल, तो एल आएगा लास्ट में, एस का कोड है एच, तो एस आ जाएगा पहले एच, तो फ्रेंड्स टी का कोड है जी, तो जी इधर आएगा और ई का कोड है वी वी। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका राइट आंसर, आर टी आर डब्ल्यू वी, सॉरी आर टी आर डब्ल्यू एम एच वी जी एल। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले हम कुछ और एग्जांपल हाई लेवल ले लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप सबसे पहले इनके कोड लिख लीजिए, ए का कोड है 1 तो 1 लिखो, एस का कोड है 19, सेम फ्रेंड्स के का कोड है 11, ई का कोड है 5 और डी का है 4। अब फ्रेंड्स बनाइए, अब देखिए सबसे पहले पैटर्न कौन सा है, 5x5 है, तो पहले डायरेक्ट यहां से चेक कीजिए फ्रेंड्स, 11 है यानी कि 1 1 है, 1 और 1 2 है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। डी का 4 है तो डी का 4 सीधा सीधा दिया है, ई का 5 भी दिया है यानी कि एस का यहां पे आएगा, और ए का 1 है बिल्कुल सही। एस का देखिए फ्रेंड्स, एस में है 9 और 1 यानी कि 9 प्लस 1 10 बन जाएगा, अब 10 का बनेगा 1 प्लस 0, तो फ्रेंड्स 1 आएगा इसका आंसर, सही आंसर। तो फ्रेंड्स सेम पैटर्न हम इसमें लगाते हैं, सबसे पहले इसकी कोडिंग लिख लेते हैं। फ्रेंड्स ई का कोड है 5, आई का कोड है 9, जी का कोड है 7, एच का है 8 और टी का कोड है 20। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले पैटर्न देख लो, पैटर्न बनेगा आपका फर्स्ट का लास्ट से और लास्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। तो फ्रेंड्स जी जी का 7 आ जाएगा, अब सेकंड का जहां पे आएगा यानी कि 9, फर्स्ट है 5 तो लास्ट में आएगा। फ्रेंड्स एच का बन जाएगा 8 जहां पे, अब टी का क्या बनेगा, फ्रेंड्स टी का जहां पे है 20 यानी कि 2 प्लस 0 2 आएगा, तो फ्रेंड्स 2, 8, 7, 9, 5 आपका राइट आंसर होगा, 2, 8, 9, 7, 9, 5। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में है सेम, पहले इनके कोड लिख लीजिए, पी का कोड है 16,
सेम ई का कोड है 5, आर का कोड है 18, एस का कोड है फ्रेंड्स 19, ओ का कोड है यहां पे 15, एन का कोड है 14। तो फ्रेंड्स 6x6 है, सबसे पहले पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए फ्रेंड्स। अगर 3x3 का पैटर्न बनाऊं मैं तो जहां पे देखिए 4 और 1 5 बन रहा है 1 5, जहां पे 5 सीधा दिया है तो 5 भी है फ्रेंड्स। यानी कि 3x3 का पैटर्न बनाएंगे तो 8 और 1 9 बनेगा, यानी कि ये पैटर्न बनेगा सेम, सेंटर वाला सेंटर वाले के साथ और लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट बनेगा फ्रेंड्स। चेक कर लीजिए P का है 7, तो P का जहां पे है 16, यानी कि 1 16 को खोलेंगे तो बनेगा 1 प्लस 6, जहां से बन जाएगा 7। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, E का 5 है, 5 सीधा सीधा आ रहा है, R का है 8 और 1 1 और 8, यानी कि 18, तो जहां से प्लस करेंगे 8 और 1 को तो 9 आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल 9 आ रहा है। S का 9 और 1 10 बनेगा, तो 10 का 1 और 0, यानी कि 1 प्लस 0 1 ही आएगा फ्रेंड्स, 1 ही है। 15 का 5 और 1 6 बनेगा, 4 और 1 5, सेम पैटर्न फ्रेंड्स हमने इसमें लगाना है, यानी कि फर्स्ट 3 का ये पैटर्न होगा और लास्ट 3 का ये पैटर्न होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इनके कोड लिख लेते हैं हम। एस का कोड है यहाँ पे 19, एच का कोड है 8, ओ का कोड है 15, यू का कोड है 21, एल का कोड है 12 और डी का कोड है 4। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा कोड, एच का दिया है 8 तो 8 ही आएगा, एस का दिया है 19, यानी कि 1 प्लस 9 10, और 10 का 10 बनेगा तो 10 को खोलेंगे 1 प्लस 0 1 आएगा, तो फ्रेंड्स एस का कोड बन जाएगा 1, और ओ का बनेगा 5 और 1 6, सेम यू का बनेगा 2 और 1 3, डी का सीधा सीधा 4 आ जाएगा और एल का 2 और 1 3। तो फ्रेंड्स 6168 1 4 3 3 आपका राइट आंसर होगा। ये थी फ्रेंड्स आपकी टाइप फर्स्ट, अब चलते हैं टाइप सेकंड पे।